इस बार लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी की ये 12वीं सूची है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को, तो वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद में मौजूदा सांसद चंद्रसेन सिंह जादौन को बदलकर ठाकुर विश्वदीप सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बीजेपी ने देवरिया से सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। अब यहां से शशांक मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। शशांक पूर्व सांसद जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने कोलकाता की चर्चित डायमंड हार्बर सीट से भी उम्मीदवार तय कर दिया है। इस सीट से बीजेपी ने अभिजीत दास बॉबी को मैदान में उतारा है। दरअसल इस सीट से टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनिता सोम प्रकाश को होशियारपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उनमें 7 नाम है। ये 7 नाम महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं। महाराष्ट्र की सतारा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। यहां से छत्रपति उदयन राजे भोसले चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब की 3 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना चुनाव लड़ेंगे, होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं बठिंडा से बीजेपी ने परमपाल कौर सिद्धू को चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, फिरोजाबाद और देवरिया। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है, तो वहीं देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने महाराष्ट्र के सतारा से छत्रपति उदयन राजे भोसले को टिकट दिया है। सतारा सीट महाराष्ट्र की उन 9 सीटों में से एक है जिस पर महायुति के बीच कुछ निश्चय नहीं किया गया था। यहाँ बीजेपी और एनसीपी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। यहाँ से बीजेपी ने 2019 के उपचुनाव में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज वर्तमान राज्यसभा सांसद उदयन राजे भोसले को टिकट दिया था, जो तब चुनाव हार गए थे। इस बार सतारा से एनसीपी शरद पवार गुट ने शशिकांत शिंदे को टिकट दिया है। इससे पहले बीजेपी ने 11 अप्रैल को 11वीं लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में सिर्फ एक ही प्रत्याशी का नाम था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को चुनावी मैदान में उतारा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।